दौरान काम का ठप होने के कारण शहर में रोजमर्रा के कमाने वाले लोगों के सामने रोटी का संकट पैदा हो गया है। केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से शहर में राशन बांटा जा रहा है, लेकिन लुधियाना में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां अब भी लोगों को सरकारी राशन नहीं पहुंच रहा, जिसका सामना विपक्षी काउंसिलरों को करना पड़ रहा है और लोग पार्षदों के घर जाकर डेरा जमा रहे हैं। विपक्षी दलों के पार्षद बार बार राशन वितरण में भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान लुधियाना के ग्यासपुरा इलाका के अकाली काउंसिलर द्वारा पंजाब की कांग्रेस सरकार के ऊपर पक्षपात के आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ रहने वाले प्रवासी परिवारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे वार्ड विच वार्ड नंबर 30 ग्यासपुरा च जिहड़ा इंडस्ट्री एरिया सी है जिथे सब तो वध लेबर आ जिथे बी एल ओज ने 1,72,000 लेबर काउंट की है मेरे वार्ड उत्थे सिर्फ अजे तक 300 बंदे दा इन्होंने राशन दिता कि तुसीं समझदे हो कि 300 बंदे दा राशन 1,50,000 बंदे नूं दिता जाए तो की उत्थे होगा किन्नी उत्थे हाहाकार मची होगी। मेरे दफ्तर विच 3 बार धरना है, दफ्तर विच पथराव होया, मैं लोगों को समझा समझा थक गया। मेरे लोगों से कोई शिकायत नहीं, लोगों नाल मेरी लोगों नाल कोई गुस्सा नहीं, लोग बहुत परेशान ने। हुण भी देखो तुसी दफ्तर दे बाहर 500-600 जाना बैठा है भी राशन दो, बिल्कुल राशन नहीं आ रहा। राशन वंड प्रणाली तो लैके कैप्टन सरकार तो पंजाब सरकार तो कुछ मैनेजमेंट नहीं बन सकी, वो बिल्कुल उन्होंने हथों तो बाहर निकल गई मैनेजमेंट। कदे कहंदे आ जी फार्म भरवाओ, डीसी साहब वो फार्म भर के लै गए 60,000 बंदे का, भी इस फार्म भर दे अगेंस्ट तुहानू राशन भी गरीबों को मिलेगा, नकदी भी मिलेगी, सर गैस सिलेंडर भी मिलेगा, पर वो फार्म भरिया नूं 1 महीना हो गया। एक भी एक फार्म के अगेंस्ट एक देखो 60,000 फार्म भर लिया कोई राशन नहीं आया। डीसी साहब नूं फोन करी उन्होंने तो फोन चकना ही नहीं, कदे कोई इन्होंने आपका आईओ नहीं लाया ज कोई भी अफसर नहीं लाया। इतने इंडस्ट्री एडा बड़ा इंडस्ट्री रे, लोग हज़ारों की तादाद च रात नूं अपने पिंड जाने लई मजबूर है। पर मैं पंजाब सरकार नूं एज ए हाउस लीडर ओपोजिशन लीडर म्यूनसिपल कारपोरेशन लुधियाना एक वार्निंग दिना, एक चेतावनी दे रहा कि जेकर ये लेबर चली गई जो लॉकडाउन तो बाद तुसी फैक्ट्री इंडस्ट्री खोलोगे ना ही इंडस्ट्री चलाने कोई बंदा लभेगा, ना ही थानू किसान नू कोई झोना लाने कोई किसानी लिए बंदा। ये यूपी बिहार के जाण के नाल पंजाब का बहुत बड़ा इंडस्ट्री का नुकसान होगा। पंजाब सरकार कृपा करके अपने कन्न खोले तो अखा खोले, ये की काम कर जा रहे हैं मैनू समझ नहीं आई। असी फोन करते हैं कहते जी राशन साढ़े को आ रहा, राशन नहीं आ रहा, राशन पहुँचता नहीं लोगों तक, गरीब लोग सड़कों पर बैठे ने। कहते 1905 असी हैल्पलाइन नंबर दिता है भी 1905 हैल्पलाइन नंबर पर फोन करो। मैं समझ नहीं आता कि गरीब आदमी को जिद को रोटी खाने ली पेट ली पेट च कोई दो फुलके है नहीं कि उन्होंने को फोन रीचार्ज करने के पैसे होंगे। जेकर 1905 नंबर डायल किया जाए तो की इतने एड्डी वड्डी लुधियाने शहर के 40 लाख के करीब पॉपुलेशन है, 40 लाख बंदा 1905 नंबर डायल करे कि राशन भेज सकते हो? बिल्कुल सरकार की सारी पॉलिसीज फेल हो गई हैं। कोई केंद्र सरकार वालों जो ग्रांट आई या फंड आया वो भी लोगों तक पहुँचा फेल हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर जो लुधियाने का हैड आ जिन्हों प्रदीप अग्रवाल जी जो फोन ही नहीं चकते कदे, उन्होंने एक भी कारपोरेशन के 95 वार्डा का शहर लुधियाना कारपोरेशन। और मैनू डीसी साहब तो मैं एक सवाल पूछना चाहता कि 1 महीने उन्होंने कदे साढ़े ओपोजिशन की कोई मीटिंग बुलाई, एक भी उन्होंने कदे सातों कोई सुझाव पूछे, कदे डिप्टी कमिश्नर ने साडे नाल फोन पर गल की? किस चीज़ का डिप्टी कमिश्नर ने हो असी सीधा उन्होंने इल्जाम लाने डीसी साहब से कि डीसी साहब ने किया की है? इतने लोग भुखे मर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, आपके पैदल और साइकिलों पर वापस जाने लिए मजबूर हो गए यूपी बिहार में, पर डीसी साहब को पता ही नहीं कुछ कितने ने हो। मैं तो समझ नहीं आती डिप्टी कमिश्नर प्रशासन किवें चला रहे हैं। इस महामारी के बिच भी यह राजनीतिकरणों क्यों नहीं हट रहे? एड्डी वड्डी महामारी ते लोग महामारी कोरोना वायरस की बजाय भुख नाल मरन। असी आपदे तौर ते आपदे साडे लीडर ने जिस तरह गाबड़िया साहब होर लोग लंगर लिया लिया के लोगों तो इधर उधरों गुरद्वारा साहब तो लंगर लिया के आपदे कोल उत्थे सीधा भेज के बड़ी मुश्किल ना गुजारा जिहा चल रहा जिन्ना साडा बस है। उहदे विच भी ना सानू अकाली दल दे किसे बंदे नू पास दित्ता जांदा है, ना मंजूरी दित्ती जांदी है। इस महामारी दे विच भी इह छोटी और हुच्ची राजनीति कांग्रेस सरकार नू बंद करनी चाहीदी। अज 1 महीने बाद इह ये हाल है, तुसी देखो भी कितनी मैनेजमेंट इन्हां दी वधिया हो गई है साडे हल्के दे विच।